मैं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूं, मैं 2022 के बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, और 2022 तक ऑलमोस्ट अभी भी मैं 3000 से 3500 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, 3500 वीडियोस मेरे केमिस्ट्री के हैं। आप हर एक टॉपिक को देख सकते हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने शायद नहीं पढ़ाया हो। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो मैं एक साल में इसको पूरा कर दूंगा। और अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के बाद मैं एक ऐसे काम पर जा रहा हूं जो शायद थोड़ा सैक्रिफाइस मुझसे मांग रही है, पर वो सैक्रिफाइस अगर मैं दूंगा तो शायद मुझे लगता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हो जाए। तो ये रीज़न है, और जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है कि एक ऐसा आइडिया है जो मेरे दिमाग में आया है और शायद वो इम्प्लीमेंट हो गया तो हम बहुत आगे पहुँच जाएंगे, बहुत आगे, और किसी बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चलो, तो फाइनली रिटायरमेंट का ये था और इसलिए मैंने कहा था, बहुत सारे बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया, तो पर एक ज़रूरी भी है और सुनता हूँ सबकी हूँ लेकिन करता अपने मन की हूँ। और फाइनली मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करो, आप इस डिसीजन में मेरा साथ दो, क्योंकि मैं ब्रेक लेने नहीं जा रहा हूँ। रिटायरमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे अब सोना है, ऐसा नहीं है, मेरे पास समय कम बचा हुआ है। और मेरे पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है इसलिए मुझे और करना बहुत कुछ है, तो समय का तो पता नहीं कब निकल जाए, ये भी नहीं पता। पर मैंने सोचा अपने लिए कि मुझे 45 इयर्स के बाद एक्चुअल रिटायरमेंट लेनी है सारे काम से, तो मेरे पास सिर्फ अब मुश्किल से कोई 10-12 साल बचे हैं और उससे मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, और वो काम मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। चलो तो फाइनली ये रीज़न है। सो 2022 मेरा आखिरी साल होगा और उसके बाद मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा, और ऐसा नहीं कि मैं गायब हो जाऊँगा, मैं बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखूँगा जिससे शायद आप हमेशा इटू सर को याद करोगे कि उन्होंने ये बना के दिया।